डीएम बनने का ख्वाब लेकर लाखों युवा हर साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठते हैं। सपने को पूरा करने के लिए सालों साल परीक्षा की तैयारी करते हैं। क्या हो अगर कोई शानदार रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक कर आईएएस अधिकारी बने और कुछ ही दिनों में उसे कलेक्टर पद से हटा दिया जाए। ऐसा हुआ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2012 में सेकेंड टॉपर आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकट रमन के साथ, जिन्हें 24 जुलाई 2022 को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नियुक्त किया गया, लेकिन सिर्फ 6 दिन बाद 1 अगस्त को इस पद से हटा दिया गया। दरअसल साल 2019 में आए श्रीराम वेंकट रमन पर नशे में गाड़ी चलाते हुए एक पत्रकार को टक्कर मारने का आरोप लगा था। इस हादसे में पत्रकार के एम बशीर की मौत हो गई। 35 वर्षीय बशीर सिराज दिल्ली में ब्यूरो चीफ थे। केरल सरकार ने जब उन्हें अलपुजा जिला कलेक्टर बनाया तो जनता ने उनका विरोध किया और सरकार को उन्हें कलेक्टर के पद से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ा। वेंकट रमन डॉक्टर के पेशे से सिविल सर्विसेज में आए थे। एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और दूसरे प्रयास में सेकंड रैंक हासिल की। हालांकि एक आईएएस अधिकारी के रूप में वेंकट रमन की यात्रा विवादों में रही। केरल के कोच्चि में रहने वाले श्रीराम वेंकट रमन की स्कूली शिक्षा भावांश विद्या मंदिर गिरिनगर से पूरी हुई। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम से एमबीबीएस किया। केरल के तिरुवनंतपुरम के जिला अदालत ने अक्टूबर माह में आईएएस ऑफिसर श्रीराम पर लगे हत्या के आरोपों को खारिज कर दिया। साल 2020 में केरल सरकार ने श्रीराम वेंकट रमन का सस्पेंशन रद्द कर दिया। इसके बाद श्रीराम को हेल्थ डिपार्टमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। इस फैसले के बाद खूब प्रदर्शन हुआ। उनके खिलाफ पत्रकारों संगठन, कई मुस्लिम संगठन और दूसरे संगठन भी प्रदर्शन करते रहे। वर्तमान में वो केरल स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जनरल मैनेजर हैं। अप्रैल 2022 में श्रीराम वेंकट रमन ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2014 के सेकेंड टॉपर और अलापुजा जिले की कलेक्टर रेणु राज से शादी की। श्रीराम की यह पहली शादी थी, लेकिन कोट्टायम के रहने वाली रेणु राज की यह दूसरी शादी थी।